प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को अगर गंदी हो जाए या दाग लग जाते हैं, जिस तरह से देख सकते हैं ये प्लास्टिक की बाल्टी का ढक्कन है, बहुत ज़्यादा गंदा है। इसको सेकंडों में क्लीन करने का तरीका बताऊंगा। बाल्टी ये इतना गंदा नहीं है, बाल्टी अगर प्लास्टिक की गंदी हो जाती है या कोई भी चीज़ परात है, मग है, प्लास्टिक का कोई भी सिस्टम है अगर ख़राब हो जाए ना, आप सेकंडों में क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मैं तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंडीशन, बिल्कुल सड़ी हुई ढक्कन है ये हमारी बाल्टी का, ठीक है। तो इसको हम क्लीन करेंगे सेकंडों में मात्र दो चीज़ों से। तो वीडियो को कहीं से भी कट नहीं करना है, इसके लिए सबसे पहले हमको पानी गर्म करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पानी को बॉयल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो अंडे और आलू है ना, यहाँ पे देखिए बॉयल हो चुके हैं। आप देखिए इसमें जो पानी रिव्यूज बचेगा ना, हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसी से हम प्लास्टिक की चीज़ों को क्लीन करेंगे, ठीक है। और इसमें हम दो चीज़ें डालेंगे और गजब का बिल्कुल फ्री का सा समझो, ना के समान खर्चे में आप प्लास्टिक की सभी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे अंडे और आलू जो हैं बॉयल हो चुके हैं, इनको निकाल करके इनमें जो रिव्यूज पानी है ना गर्म, इसी से हम इसको यूजिंग में लेंगे प्लास्टिक की चीज़ों को साफ करने के लिए। देखिए प्लास्टिक की चीज़ों को क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैंने, ये देख सकते हैं जो कि आलू और अंडे को बॉईल किया था उसका बचा हुआ पानी है, रिव्यूज है, इसको फेंकेंगे नहीं, इसी से हम क्लीन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया लगभग आधा लीटर से ज़्यादा ही थोड़ा सा पानी है। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ हम डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे एक चम्मच लगभग नमक इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने डाल दिया नमक। अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं एक चम्मच प्लास्टिक सोडा। लगभग एक डेढ़ चम्मच हमने डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से बॉईल होता है, देख सकते हैं। यहाँ पे हम तीसरी चीज ले लेते हैं, आधा शैम्पू ले लेते हैं। ये थोड़ा झाग बनाएगा, कास्टिक होता है इसके अंदर भी हल्का सा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब देखिए हम इसको प्लास्टिक की चीज़ों को क्लीन करेंगे। यहाँ पे देखिए कंडीशन आप देख ही रहे हैं इसका, इसको हम देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको पानी में भिगो लेंगे। ये देखिए इस तरह से अभी अच्छे से ये भीगा नहीं है। इसको छोड़ देंगे इसी में रख के, पानी से भिगो करके लगभग 5 मिनट के लिए, ये अच्छे से फुला देगा इस तरह से। चलिए अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ये 5 मिनट तक हमने छोड़ दिया था। हम लेंगे कपड़े धोने वाला ब्रश, ये देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रब भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको हल्के हाथों से छूट जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गंदा था, ये ढक्कन ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको यूजिंग में लेते हैं। हल्के हाथों से ही बिल्कुल नया हो जाएगा ढक्कन। ये जो चीज़ें जो मैंने डाली हैं गर्म पानी के अंदर, तो ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कास्टिक की मात्रा है और कास्टिक हाथों में चुभता है, ध्यान रखना। मेरे पास में ग्लव्स नहीं है तो मैं बहुत ही सावधानी से इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए एक तरफ से हमने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है, दूसरी तरफ से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे।
तो देखिए हमने इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया है। चलिए इसको धोते हैं और देखते हैं इसका कंडीशन। तो देखिए इसको चलिए धो लेते हैं। अभी आपको इसका कंडीशन दिखाता हूँ। बिल्कुल ढक्कन ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल नया। दोनों तरफ से धो लेते हैं इसको। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो कंडीशन है बिल्कुल हमारा ढक्कन बिल्कुल नया हो गया है। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं ढक्कन इसका बिल्कुल नया है। ये जो टेप लगी हुई है ना, इसमें होल था तो टेप मार के ताकि चूहे वगैरह इसके अंदर ना घुस जाए, इसलिए लगाया हुआ है। तो हमारा ढक्कन प्लास्टिक का बिल्कुल क्लीन है। इस तरह से प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक की, उसको भी आप क्लीन कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।